हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूटीके बैडमिंटन। तो आज इस वाले वीडियो में मैं आपके लिए रिव्यू लेके आया हूँ अपने इस लीनिंग के पीवीएस 903 बैडमिंटन रैकेट का। तो ये रैकेट मैंने बहुत टाइम पहले खरीदा था, 2 साल हो गए इस रैकेट को लिए हुए, बट इसके ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाया था, तो ये वाला वीडियो इस रैकेट के ऊपर हुआ। ठीक है, पहली बात तो ये रैकेट ऐसे नहीं आता है, इसके साथ में आपको ये वाला पूरा किट बैग मिलता है। ये लीनिंग का कुछ बोल्ड करके किट बैग है, इसका एग्जैक्ट मॉडल नंबर क्या है मेरे को नहीं पता, बट अगर मेरे को मिलेगा तो मैं मेंशन कर दूंगा। तो ये रैकेट कवर नहीं है, ये पूरा एक किट बैग है, ये ऐसे फोल्ड होकर रखा हुआ। तो अभी देखो ऐसे एक्सपेंड करूँगा, तो इसके अंदर 2 जिप हैं, तो आप इसके अंदर अराउंड 5-6 रैकेट रख सकते हो और अपना बाकी का सामान भी रख सकते हो। तो इस बैग के ऊपर मैं कोई एक अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि यहाँ पे मेन रैकेट को ही कवर करेंगे। बट मैं ये बोलता था बैग काफ़ी अच्छा है, बस एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे एक सिंगल वाली शोल्डर स्ट्रैप है, डबल शोल्डर स्ट्रैप वाला बैग नहीं है इस रैकेट के ऊपर। तो पहली बात तो इस रैकेट का कॉस्ट, इस रैकेट का प्राइस डिस्कस कर लेते हैं, तो आपको बड़ी हैरानी होगी। ये रैकेट जो है ये अराउंड 4500 या 5000 का MRP है इसका, और ये आपको इजीली मतलब हर टाइम ये अराउंड 2700 रुपीज़ तक खाता है अमेजोन पे भी, फ्लिपकार्ट पे भी, विद दिस किट बैग, मतलब ये दोनों का कॉम्बो है। तो 2700 में आपको ये वाला रैकेट मिलता है, और ये वाला मेरे को ऑफर में मिल गया था 1100 का, तो मैंने उसको तुरंत से बाय कर लिया। तो इस रैकेट का फिर मैं रिव्यू आपको देता हूँ 1100 में कैसा है, और अगर ये 2700 आप पे कर रहे हो उसके लिए तो कैसा है। 1100 के हिसाब से मेरे को आजकल कभी ऐसा ऑफर आएगा नहीं, तो वो वाला जो था वो बिग बिलियन डेज का ऑफर था, इसलिए मेरे को ये वाला रैकेट इतने सस्ते में मिल गया। और अब मेरे को लगता नहीं कि ये वाला रैकेट इस वाले ऑफर में आएगा, या ऐसा टाइप का कोई भी रैकेट इस वाले ऐसे ऑफर में आ सकता है जिसमें आपको रैकेट भी मिल रहा है, किट बैग भी मिल रहा है, और ये पूरा का पूरा कार्बन ग्रेफाइट रैकेट है। तो इस रैकेट की डिटेल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो पहली बात तो ये फुल कार्बन ग्रेफाइट रैकेट है, और इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है ये वही सेम है जो लीनिंग अपने हर रैकेट में चिपका देता है, जो कि है डायनेमिक ऑप्टिमम फ्रेम और एरोटेक बीम सिस्टम। तो ये रैकेट के टेक्नोलॉजी हैं। इस रैकेट का लुक जो देखोगे आपको, लुक मेरे को काफ़ी पसंद आया था, इसलिए मैंने इस कलर में इस रैकेट को परचेज़ किया। और कलर्स में भी रैकेट आता है, और जैसे ही और कलर्स में आप इसके देखोगे तो उसके मॉडल नंबर जो चेंज होता है, लाइक PVS 901, 902, 903 और एक तो सीरीज और आती है। और जो श्रीकांत का भी सीरीज है वो भी सेम ही है, यही रैकेट है, सेम है, बस उसके अंदर जो बैडमिंटन के टैग होता है उसके अंदर PV सिंधु की जगह आपको श्रीकांत का सिग्नेचर मिल जाता है, और यहाँ पे जो PV सिंधु का सिग्नेचर हो रहा है उसकी जगह आपको श्रीकांत का सिग्नेचर मिल जाता है। इसके अंदर जो आप बेस कैप देख सकते हो, उसमें देख सकते हो इसमें लीनिंग की जो है वो एंट्री लेवल से एक ऊपर वाला जो है बेस कैप यूज हुआ है, तो ये वाली चीज़ है। इस रैकेट का जो वेट है वो है 85 ग्राम, तो उस हिसाब से ये रैकेट भारी है, और थोड़ा सा जब मैं खेलता हूँ तब भी मेरे को ये काफ़ी हैवी लगता है, लेकिन सिंगल्स के गेम के लिए अच्छा है, डबल्स के गेम के लिए मैं इस रैकेट को उतना रिकमेंड नहीं करता हूँ। लेकिन मेरे को बड़ी प्रॉब्लम होती है रैकेट से खेलने में जब डबल्स का गेम खेलते हैं, ऑल दो अभी थोड़ा गेम मेरे इम्प्रूव हुआ है तो डबल्स का गेम भी खेल लेता हूँ, लाइक गेमिंग का जो सेंस है वो थोड़ा सा आ गया है, बट फिर भी ये रैकेट मेरे को थोड़ा टफ लगता है इस रैकेट से खेलने में, जितना मैं इस रैकेट से इजीली खेल लेता हूँ। और इसके अंदर जो आपको होती है, इसके अंदर आपको स्ट्रॉक स्ट्रिंग होके मिलती है, बट मैंने स्ट्रिंग को चेंज कर लिया, तो इसके अंदर मैंने किजुना की Z69P डाली है, और इसके बाद में इस रैकेट का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो गया है स्टॉक स्ट्रिंग में। तो वैसे बाकी मैं ये बोल सकता हूँ आपको कि 1100 में जो मैंने रैकेट लिया है उस हिसाब से तो इसका कोई वो ही नहीं है, कोई टक्कर हमको आता ही नहीं रैकेट के, इवन 7501 भी इससे बेटर नहीं है। बट अगर आप रैकेट के लिए अराउंड 2700 पे कर रहे हो तो मेरे को लगता है आप थोड़ा ज़्यादा पे कर रहे हो, क्योंकि इसके अंदर ही जो लीनिंग की सुपर सीरीज आती है, और अभी तो बहुत सारी सीरीज आ रही है जो कि आपको 2000 के अंदर मिल जाती है, एयरफोर्स वाली सीरीज है, तो वो वाली सीरीज इस वाली से काफ़ी बेटर है। तो अगर जब ये सब मॉडल लॉन्च हो गए हैं तो फिर मैं आपको इस रैकेट को रिकमेंड नहीं करता हूँ 2700 या इवन 2500 के बजट में। अगर इसके साथ में किट बैग मिल रहा है तब भी इतना जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि किट बैग को आप अलग से ले सकते हो, किट बैग भी आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, पर सैकेट में ऐसा कुछ खास नहीं है जिस रैकेट की प्राइस को इतना ज़्यादा बनाए, जबकि मार्केट में इससे बहुत अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। क्योंकि सैकेट्स में पर्सनली खेल के देखा हूँ, और मैं बाकी सब रैकेट से भी खेल के देखा हूँ, एयरफोर्स G2 से खेल के देखा हूँ, सुपर मैक्स 9 लाइट से मैं खेल के देखा हूँ, और सुपर सीरीज से भी खेला हूँ मैं लीनिंग की जो आती है, तो उस हिसाब से ये रैकेट उतना अच्छा नहीं है कि मैं इस रैकेट को उनसे ऊपर मान पाऊँ, या उसका टक्कर का भी नहीं है, इससे कम ही है। बट हाँ, अब ये रैकेट मेरे को 1100 मिला है तो क्यों नहीं, 1100 के अंदर काफ़ी अच्छा रैकेट है। तो मुझे उसकी कलर स्कीम काफ़ी अच्छी लगी थी, रॉयल ब्लू और गोल्ड रैकेट है,
तो और इसके ग्राफिक्स भी काफ़ी अच्छे दिखते हैं और यहाँ पे बड़ा बड़ा कार्बन ग्रेफाइट लिखा हुआ है। रैकेट अच्छा है बट 2700 के हिसाब से उतना वर्थ नहीं है। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं इस बजट में। और सेम गोज़ फॉर श्रीकांत कादंबी सीरीज, वो भी पूरी सेम ही है। उसमें बस ये है कि यहाँ पे पी वी सिंधु की जगह आपको श्रीकांत कादंबी का सिग्नेचर मिल जाएगा और बाकी पूरा रैकेट ऑलमोस्ट सेम है। ग्राफिक में थोड़ा सा चेंज है, बाकी पूरा रैकेट सेम है, बस श्रीकांत कादंबी का सिग्नेचर मिल जाएगा यहाँ पे। हेड हैवी रैकेट है ये, हाई टेंशन अराउंड, इसका जो टेंशन है मेंशन नहीं था बट 28 एलबीएस तक ये रैकेट ले सकता है टेंशन को। यहाँ पे लिनिंग का ब्रांडिंग मिल जाएगा आपको सपोर्ट के। इसका ग्रिप साइज S1 है, वेट है 85 से 90 ग्राम। यहाँ पे पी वी सिंधु का सिग्नेचर किया हुआ है। एक चीज़ मैंने इसके अंदर नोटिस की है, जो इसके ग्रोमेट्स है ना, यहाँ पे ग्रोमेट्स के अंदर ना भी लीनिंग का लोगो बना हुआ है। हर एक ग्रोमेट में लीनिंग का लोगो बना हुआ है, तो ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ है जिससे आप इस रैकेट की जेन्युइनिटी को देख सकते हैं और देख सकते हैं कि काफ़ी लीनिंग जो है इन्वेस्ट करता है अपने रैकेट्स को ब्रांडिंग करने में। बाकी इस रैकेट का मैंने एक जो इसके ऊपर स्टिकर आता है जिससे पता चलता है कि ये रैकेट जेन्युइन है कि नहीं, उसका मैंने एक अलग से वीडियो बनाया, तो आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं कि लीनिंग के रैकेट को कैसे वेरीफाई करना है कि वो जेन्युइन है कि नहीं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कि रैकेट के बारे में बताना कि आपको कैसा लगता है 1100 के बजट में, 2700 के बजट में। बाकी इस रैकेट के बारे में और ज़्यादा कुछ है नहीं, रैकेट ठीक है, सिंगल के लिए अच्छा है, डबल्स के लिए ठीक ठाक है, 1100 के हिसाब से बहुत ही अच्छा रैकेट है, 2700 के हिसाब से उतना अच्छा रैकेट मैं इसको नहीं बोलूँगा, इससे बहुत बेटर रैकेट्स हैं 2700 के बजट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।